चलिए, प्रीवियस क्लास में हमने आईएसटी के बारे में समझा था कि हमारे इंडिया का टाइम जोन डिसाइड किससे होता है। तो हमने देखा कि 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, इसी से इंडिया का टाइम जोन डिसाइड होता है। और मैंने कल आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स बताइए, टोटल कितने ड्रॉन किए गए हैं। तो कुछ लोग सब मतलब कुछ बच्चों ने आंसर दिया है जिन्होंने कहा 180 लैटिट्यूड्स। बेटा एक बार जरा सा कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। देखो हमने देखा था जीरो से लेकर, जरा मैप पे आ जाए उसके बाद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये रहा आपका मैप, इससे बेटर दूसरा वाला। हाँ ये तो इस पे हमने क्या देखा था बेटा, एक बार जरा ध्यान से देखते हैं कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का लैटिट्यूड इधर होता है। ठीक है, मतलब ये कौन सा लैटिट्यूड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है। उसी तरह से 0 से लेकर 90 डिग्री का लैटिट्यूड नीचे होता है, इसे सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसके साथ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, 0 के बाद क्या जो काउंटिंग स्टार्ट करते हो, कैसे स्टार्ट करते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसी तरह कहां तक जाओगे, 90 डिग्री तक जाओगे। तो बेटा कितने कितनी लाइन हो गई, सब एक एक डिग्री की अगर बनाई जाए तो 1 से लेकर 90 तक तो यही 90 हो गई बेटा। और इसी तरह से नीचे की तरफ भी जाए तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अब तो कहां तक जाओगे, 90 डिग्री तक जाओगे। जाएंगे सभी लोग, यहां 90 डिग्री तक आओगे ना बेटा, तो ये भी 90 डिग्री हो गई। तो देखो ये भी 1 से लेकर 90 तक हुई ना बेटा, तो ये टोटल 90 हो गई। लेकिन इसमें 0 को कहां इंक्लूड किया गया बेटा, एक 0 डिग्री वाली भी तो लाइन है, ये 0 डिग्री वाली लाइन है कि नहीं है, तो इसको कहां इंक्लूड किया गया, तो ये एक और लॉन्गिट्यूड वाली लाइन हो गई। तो टोटल कितनी लाइंस हो गई बेटा, 181 कितनी हो गई बेटा, सॉरी लैटिट्यूड वाली लाइन से टोटल 181 लैटिट्यूड्स हुए। 0 डिग्री वाले लैटिट्यूड को आप लोगों ने ऐड ही नहीं किया, 0 डिग्री वाले को छोड़ दिया आप लोगों ने, 1 से लेकर 90 तक ऐड किया ऊपर और 1 से लेकर 90 तक नीचे ऐड किया, और आपने 0 डिग्री वाले को एक्सक्लूड कर दिया था, तो उसको भी ऐड करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 181 लैटिट्यूड्स। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई होगी और सभी को आंसर भी मिल गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं। आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, आपके अर्थ पे कितने टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं, ये भी आपको बताना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे ये चीज। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने कहां तक देख लिया था बेटा, तो हमने ये लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इंडिया की लोकेशन देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन लैटिट्यूड वाइज और लॉन्गिट्यूड वाइज कैसी है। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझा दी है कि लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, अब उसी की पोजीशन आपको देखनी है लैटिट्यूड वाइज और लॉन्गिट्यूड वाइज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लैटिट्यूड कौन सी लाइन होती है बेटा, तो आप लोग क्या बताओगे, सर जो ग्लोब पे लाइन आपकी इस तरह से हॉरिजेंटली ड्रॉ की जाए वो सारी क्या है, लैटिट्यूड लाइन है, कहां तक, अप टू पोल तक। ठीक है, यही बात तो आप बताओगे। और लॉन्गिट्यूड क्या है पूछे, तो सर पोल से लेकर पोल तक कनेक्ट करने वाली लाइंस क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं, आप ये बताओगे मुझे। ठीक है, यहां तक की इंफॉर्मेशन क्लियर है, तो चलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग इंडिया का मैप देखते हैं और उसमें लोकेशन देखते हैं। ये देखिए आपके एनसीईआरटी का मैप है ये, देखिए अब अगर इस तरह से देखें तो आप लोग जरा सर बताइए मुझे कि ये क्या है, लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है, ये जो जा रही लाइन सबसे ऊपर, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये क्या होगा, लैटिट्यूड होगी कि लॉन्गिट्यूड होगी। तो सभी को पता है, देख रहे हैं हॉरिजेंटल लाइंस है ये, तो हॉरिजेंटल लाइंस हैं तो ये क्या कहलाएंगी, लैटिट्यूड्स कहलाएंगी, सही है ना बेटा। तो ये लैटिट्यूड लैटिट्यूड होगी और एक लैटिट्यूड ये होगी। ठीक है, देखो दोनों लैटिट्यूड कितने डिग्री के हैं, ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट का है और दूसरा 37 डिग्री 6 मिनट का है, ये जो एक डैश लगा होता है इसका मतलब मिनट है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं। अब जरा सा देखो ये किस इंडिया आपका किस हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्दर्न में है, सदर्न में है, ईस्टर्न में है, वेस्टर्न में है, जरा सा लैटिट्यूड वाइज देखते हैं, लैटिट्यूड वाइज आपका इंडिया किस पार्ट में पड़ता है। तो जरा सा आइए पीछे मैप पे चले, ये रहा, तो देखिए ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड दिख रहा है सभी को, एक मिनट हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए, ये देखिए 0 डिग्री इक्वेटर लिखा हुआ है, तो एक लैटिट्यूड सभी को दिख रहा है कि नहीं,
तो 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर के ऊपर जो होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे वाला पार्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये सभी को पता है। तो इंडिया बताओ बेटा किसमें आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा? ये जरा सा कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करो कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। तो अब देखो बेटा, हमने एक बात बताई थी आपको कि जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे जितने भी लैटिट्यूड होंगे उनके सबके साथ क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, और नीचे आएंगे तो नीचे वाले लैटिट्यूड के साथ क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। ये बात मैंने बताई थी आप सभी को। तो उसी तरह देखो, एक लैटिट्यूड देखो ये इंडिया को टच करके निकलेगा, है ना बेटा, उसी तरह से एक लैटिट्यूड ऊपर वाला इंडिया को टच करके, ऊपर एकदम ऊपर पॉइंट से लेकर टच करके। तो ये दोनों देखो बेटा लैटिट्यूड्स है ना बेटा, किधर है, नॉर्दर्न की तरफ, तो दोनों लैटिट्यूड में क्या लगा रहेगा, एन लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, एन लगा रहेगा ना बेटा। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? तो चलिए जरा सा मैप पे देखते हैं। ये देखिए, तो यहां पे 8 डिग्री 4 मिनट है, इसके साथ क्या लगाएं बेटा, एन लगाएं, एस लगाएं, या ई, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, क्या लगे? तो हमें पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका इंडिया पड़ता है, तो लैटिट्यूड 0 डिग्री से ऊपर की तरफ वाला है, तो इसके साथ क्या लगाओगे बेटा, एन लगाओगे, क्या लगाओगे इसके साथ, एन। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक होगा ये, ठीक है। तो ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, देख रहे हैं, नीचे बाउंड्री जो टच कर रही इंडिया को और ऊपर वाली जो एकदम पीक पॉइंट टच कर रही इंडिया को। उसी तरह से देखिए लॉन्गिट्यूड देखें, तो बेटा देखो ये वाला लॉन्गिट्यूड है, इस तरह से जो वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। देखो ये वर्टिकल वाली लाइंस लॉन्गिट्यूड टच करके जा रहा है कि नहीं इंडिया को, यहां पे टच कर रही ना, ये सभी को दिख रहा है कि नहीं? तो इंडिया को यहां पे टच कर रही है, और वैसे ही यहां पे देखो एंड पॉइंट इसका ये है, दिख रहा है सभी को? तो ये दोनों एंड पॉइंट्स है ना बेटा, तो इन पे देखो कितने डिग्री लिखा हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट अब, और यहां पे कितना लिखा है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो लॉन्गिट्यूड वाइज इंडिया किधर आता है बेटा, लॉन्गिट्यूड क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को, अर्थ को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में आएगा लॉन्गिट्यूड के डिवीजन के अकॉर्डिंग? यार 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड जो था, जिसे क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, तो वो आपके, एक मिनट आ जाते हैं, एक बार मैप आप देख लीजिए बोला, ये देखिए, तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है कि नहीं है? देखो बेटा इसके अकॉर्डिंग इंडिया की लोकेशन अगर आपको दिख रही होगी तो ये है इंडिया की लोकेशन ना। तो बेटा ये हमने बताया था 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इधर जो होता है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और इस तरफ जो होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इस डायरेक्शन में उसे क्या कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में आएगा बेटा, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इधर के जितने लॉन्गिट्यूड होंगे उनके सबके साथ क्या लिखा होगा, ई लिखा होगा, देखो बेटा सबसे ऊपर लिखा हुआ है नहीं, सबके साथ ही ई, और वैसे ही इधर के जितने लॉन्गिट्यूड होंगे उनके साथ क्या लिखा होगा, डब्ल्यू लिखा होगा, देख रहा है, डब्ल्यू मतलब क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गिट्यूड है, ये बात समझे कि नहीं? और ई का मतलब क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गिट्यूड है। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? तो उसी तरह से इंडिया हमें समझ में आ गया कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो जो लॉन्गिट्यूड्स इसको ड्रॉ करेंगे, जो लॉन्गिट्यूड्स इंडिया को टच करके जाएंगे, इनके साथ क्या लिखा जाएगा बेटा, ई लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, ई, ई फॉर एलिफेंट वाला ई, ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाला, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए एक बार, तो यहां पे देखिए 68 डिग्री 7 मिनट लिखा हुआ है, इसके साथ क्या लिखोगे आप बेटा, ई लिखोगे, क्या लिखोगे, ई लिखोगे, क्यों, क्योंकि इंडिया किसमें आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है लॉन्गिट्यूड वाइज। तो 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो ये समझ में आया बेटा, यहां से लेके यहां तक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, और यहां से लेके यहां तक जो है आपका ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? और देखो बेटा ये तो लैंड वाइज है, लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं, इंडिया तो इतना ही बड़ा है लैंड वाइज, अगर जमीन पे देखें तो इसकी लेंथ इतनी ही है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लेकिन वर्टिकल देखिए बेटा, ओशियन भी आता है ना, इंडिया के कुछ कंट्रोल में ओशियन भी है कि नहीं है? तो देखो बेटा अगर ध्यान से आप देखो तो यहां पे लिखा है 6 डिग्री 4 मिनट, इधर एकदम कॉर्नर पे ध्यान से देखिए, ये यहां पे 6 डिग्री 4 मिनट आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ध्यान से, यहां पे सभी को दिखा कि नहीं बेटा, इस कॉर्नर पे, ये देखिए यहां पे कॉर्नर पे सभी को दिख गया एकदम किस साइड में, देखिए बच्चा, तो यहां पे 6 डिग्री 4 मिनट है ना लिखा, 45 मिनट लिखा हुआ है। तो बेटा ये आपके इंडिया का ओवरऑल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब आपके इंडिया की बाउंड्री, ये देख रहे हैं, ये पता है कौन से आइलैंड है,
सभी को पता है कि नहीं? देखो अंडमान निकोबार इस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार किसका है? आपके इंडिया का ही तो है। तो ये पूरे आइलैंड जो है वो आपके इंडिया के ही तो है बेटा, तो ये भी तो आपके इंडिया के पार्ट में आते हैं बेटा। तो अंडमान निकोबार का जो सबसे एकदम लास्ट वाला पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे है। कितने पे है? 6 डिग्री 4 मिनट पे। अब आप लोग सब मुझे बताइएगा ये 6 डिग्री 4 मिनट पे जो है इसके साथ नॉर्थ लिखे, साउथ लिखे, ईस्ट लिखे, वेस्ट लिखे, क्या लिखे? ठीक है, तो इंडिया का पूरा ओवरऑल देखा जाए लैटिट्यूडनल एक्सटेंड तो 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट है और 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, और इन लॉन्गिट्यूड के साथ क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? ई लिखते हैं। और लैटिट्यूड के साथ क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। ये बात सभी को क्लियर है? तो आई होप इतनी बातें तो सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब जरा सा इन सभी पॉइंट्स के नाम देख लेते हैं बेटा, कि जो सबसे एकदम लास्ट वाले पॉइंट्स हैं इनके नाम भी तो होंगे। 37 डिग्री 6 मिनट है अगर आखिर, तो इस पॉइंट का नाम क्या है जहां पे एकदम लास्ट में जाके टच करता है? तो इसका नाम याद रखना बेटा, इंदिरा एक मिनट बेटा इसको करेक्ट कर लें जरा सा। इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है बेटा? इंदिरा कॉल। 37 डिग्री 6 मिनट जहां पे टच करता है उसका नाम है इंदिरा कॉल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंदिरा कॉल नाम है इसका, तो सभी को याद रहेगा इस पॉइंट का नाम। इंदिरा कॉल कहां पे है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इंदिरा कॉल हो गया। सबसे लास्ट वाला कौन सा पॉइंट है? लैटिट्यूड का है कि लॉन्गिट्यूड का है? 37 डिग्री 6 मिनट, तो हमें पता है ये लैटिट्यूड पॉइंट है। कौन सा है बेटा? लैटिट्यूड है, तो मतलब इसके साथ एन लिखा रहेगा ना बेटा, तो ये ध्यान रखना। तो ये इंदिरा कॉल हो गया। और उसी तरह से 8 डिग्री 4 मिनट वाला लास्ट वाला पॉइंट देखो बेटा, ये रहा। इस पॉइंट का नाम क्या है? यहां पे कोई जगह तो होगी, किसी जगह के ये किसी जगह पे तो जाके टच करेगा, तो इसका नाम याद रखना, इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है बेटा? कन्याकुमारी। ठीक है, तो सभी ने कन्याकुमारी का नाम सुन रखा होगा। किस स्टेट में है आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि कन्याकुमारी किस स्टेट में पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि 6 डिग्री 4 मिनट वाला या 6 डिग्री 45 मिनट वाला कहां पे पड़ता है? 6 डिग्री 45 मिनट ये जगह कहां पे पड़ती है? इस पॉइंट का नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार आइलैंड पे हमें तो दिख रहा है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड पे जो ये पॉइंट है एकदम लास्ट वाला, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखना। इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो अभी सिर्फ समझते जाइए, अभी बाकी आपको नोट्स में मिलेगा सारी चीजें। ठीक है, तो इसलिए परेशान मत होइए, अभी स्लाइड में आपको दिख जाएगा। इंदिरा पॉइंट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह से इन पॉइंट्स के भी तो नाम होंगे बेटा। ये देख रहे हो जो इंडिया को टच कर रहा है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड जो टच कर रहा है, आखिर ये भी तो पॉइंट होगा कुछ, इसका भी तो कुछ नाम होगा। तो इसका नाम याद रखिएगा, सर क्रीक है। क्या है बेटा? सर क्रीक। ठीक है, सर क्रीक, ध्यान रखिएगा, ये सर क्रीक है बेटा। ठीक है, उसी तरह से यहां पे देखिए 97 डिग्री 25 मिनट वाला पॉइंट है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है, तो इस पॉइंट का भी तो कुछ नाम होगा जहां पे इसने टच किया होगा इंडिया को। तो इस पॉइंट का नाम है वालंगू। क्या नाम है बेटा? वालंगू, ध्यान रखिएगा, सर क्रीक और वालंगू। सर क्रीक कहां पड़ता है? तो गुजरात में। कहां पे बेटा? ये कौन सा स्टेट है सभी को पता है कि नहीं? ये गुजरात है पूरा। और वालंगू कहां पड़ेगा बेटा? तो ये देखो, ये स्टेट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, इसे क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। ठीक है, तो वालंगू कहां पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो आई होप चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि चारों लॉन्गिट्यूड्स आपको टच कहां कहां करते हैं। तो देख रहे हैं, ये लैटिट्यूड है सबसे लास्ट वाला, तो ये इंदिरा कॉल नाम की जगह को टच करता है। इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल, यहां पे पड़ता है जम्मू कश्मीर में। वैसे ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो लैंड सरफेस पे देखा जाए तो ये है इंदिरा, सॉरी कन्याकुमारी पॉइंट। कौन सा है बेटा? कन्याकुमारी। और यहां पे देखते हैं तो यहां पे क्या मिलता है? इंदिरा पॉइंट मिलता है। 6 डिग्री 4 मिनट पे क्या मिलेगा? इंदिरा पॉइंट मिलेगा। मेरे कर्सर को ध्यान दीजिएगा बेटा, आप सभी लोग कर्सर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और वैसे ही 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट वाला ये क्या है? सर क्रीक है। क्या है बेटा? सर क्रीक है। तो याद रखिएगा, ये सर क्रीक कहां पड़ता है? गुजरात में। वैसे 97 डिग्री 25 मिनट वाला पॉइंट क्या है? वालंगू है। क्या है बेटा? वालंगू है। तो ये बात आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी। देख रहे हैं, इस पे टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन भी आपका बना हुआ है 82 डिग्री एंड 30 मिनट, ये देख रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये IST है आपके इंडिया का, इसी से पूरे इंडिया का टाइम जोन
डिसाइड होता है, ये बात समझे कि नहीं, पूरे इंडिया का टाइम जोन डिसाइड होता है। आप में से किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया कि कौन से देश में तीन तीन टाइम जोन लिए जाते हैं। तो आई होप आप सभी ने या तो पूरा वीडियो नहीं देखा या तो आपको आंसर नहीं आता है। तो अगर आपको आता है तो फिर से आज लास्ट मौका दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, अदरवाइज व्हाट्सएप पे हम आपको आंसर देंगे इसका, ठीक है, कि किस देश में तीन तीन टाइम जोन्स हैं। ठीक है, इतना बड़ा देश है कि जहां पे एक टाइम जोन से काम नहीं चलता है, ठीक है, टोटल तीन तीन टाइम जोन है वहां के टाइम डिसाइड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तक की बातें क्लियर हुई, अब जरा से स्लाइड पे अपने आ जाओ बेटा। देखो यहां पे वही सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, देख लीजिए। तो आपका जो इंडिया है किस हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों में आता है ना। ये बात सभी को पता है कि इंडिया आपका किस में आता है, नॉर्दर्न में भी और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसके हिसाब से, इक्वेटर के हिसाब से या जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में किसके हिसाब से, जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। ये बात सभी को क्लियर है। आपके इंडिया को कौन सी लाइन डिवाइड करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितने डिग्री की होती है, 23.5 डिग्री है, 23 डिग्री एंड 30 मिनट। नॉर्थ, नॉर्थन वाली है वो है ना लेटिट्यूड बेटा। अब उसके बाद देखिए सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है बेटा, अंडमान एंड निकोबार कहां पे है, अंडमान निकोबार कहां आता है बेटा, किसमें आता है, बे ऑफ बंगाल में। जरा सा इसको देखिए बेटा, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहां पे है, बे ऑफ बंगाल में है। कहां पे है, बे ऑफ बंगाल में। वैसे देखो बेटा ये लक्षद्वीप आइलैंड है, ये भी तो आपके इंडिया का है, ये किसमें आता है, तो अरेबियन सी में आता है। किसमें आता है, अरेबियन सी में। तो इधर वाले जो ओशियन है इसको बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, इधर वाले ओशियन को क्या कहते हैं, अरेबियन सी कहते हैं। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड से, याद रखिएगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड किसे कहते हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड किसे कहते हैं, ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आई होप आप सभी को समझ में आई होगी, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसका नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा बच्चा फेयरली, ओके।